मधुबनी जिला के खुटौना लौकहान थाना पुलिस ने दो मासूम बच्चों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटने वाले दो लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है, जिसमें उसी गांव के सरपंच उपेंद्र यादव और दूसरा सेवानिवृत्त चौकीदार का पुत्र मोहम्मद शकील को नामजद आरोपित बनाया गया है। मालूम हो कि गुरुवार को दो किशोरों का एक अर्ध नग्न अवस्था में पिटाई का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सरपंच व बगीचा का मालिक लीची तोड़ने को लेकर बड़ी ही बेरहमी से दोनों के हाथों को रस्सी से बांधकर उनके शरीर से शर्ट को उतरवा कर चींटी का घोंसला उनके शरीर पर गिरा दिया। हद तो तब हो गई जब दबंग सरपंच जब दोनों बच्चे चिल्लाते रहे और रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन वो बच्चे के शरीर पर चींटी का घोंसला डालता रहा। लेकिन दबंग सरपंच के साथ कई महिला और चौकीदार का पुत्र महज अपने कैमरा में वीडियो बनाकर सिर्फ तमाशा देखते रहे और महिलाएं खिलखिलाकर हंसती रहीं। किसी ने भी दोनों मासूम बच्चों की सहायता नहीं की, जबकि लोगों को कानून का पाठ पढ़ाने वाले और नैतिकता की राह दिखाने वाले ही पुलिस का एक अंग हो, कानून की गरिमा तार तार कर गया। कानून का रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो फिर समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिए जनता किसके पास आए। इधर थानाध्यक्ष संतोष कुमार मंडल ने कहा कि प्रवेश पीड़ित बच्चों को मेडिकल जांच कराया गया है। पीड़ित परिवार के द्वारा दिए आवेदन में सरपंच उपेंद्र यादव और मोहम्मद शकील को नामजद आरोपित किया गया है। मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।